बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस के 13वें सीजन के शो के विनर बन गए हैं सिद्धार्थ शुक्ला। बीते 4 महीने से सोशल मीडिया से लेकर कई स्टार्स के बीच सिद्धार्थ शुक्ला की तारीफ हुई तो वहीं उन्हें जमकर ट्रोल भी किया गया। खासकर आसिम रियाज के फैंस ने सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ कई ट्रेंड शुरू किए, इसमें शो को भी शामिल किया। एक बार फिर से सिद्धार्थ शुक्ला के विनर बनने की घोषणा के बाद ऐसा माहौल सोशल मीडिया पर देखने को मिला, जहां पर हैशटैग फिक्स्ड विनर सिद्धार्थ, हैशटैग बायस्ड बिग बॉस, हैशटैग आसिम रियाज विनर जैसे कई हैशटैग्स शुरू हो चुके हैं। दोबारा से सिद्धार्थ शुक्ला के विनर बनने पर मेकर्स और सलमान खान पर पक्षपात का आरोप लगने लगा है। खुद पर लगे इन आरोपों के बारे में जब सिद्धार्थ शुक्ला से सवाल किया गया तो वो चौंक गए। उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अपने एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा कि बहुत दुख की बात है, लोग इस तरह का सोचते हैं। ऐसी बातों पर आप क्या रिएक्ट कर सकते हैं? मैंने शो में काफी मुश्किल सफर के बाद इस टाइटल को जीता है। वो आगे कहते हैं कि बाकी कंटेस्टेंट की तरह मैंने भी यहाँ एक मुश्किल सफर तय किया, तभी मैं यहाँ पर पहुँचा। फिर उस पर अगर कोई इस तरह का सवाल उठाता है तो दुख होता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। सिद्धार्थ ने कहा, यहाँ पर पहुँचना आसान नहीं था। खुद पर उठे हर सवाल का जवाब आप नहीं दे सकते। ये पूछे जाने पर कि किस बात का उन्हें अफसोस है, उन्होंने कहा, मैं इस पर सच में कुछ नहीं कह सकता। मैं शो जीतने में कामयाब हुआ हूँ और मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।